हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनी टाइम कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो आसान समर ड्रिंक, लेमन सोडा एंड रोज़ सोडा, जो बनाने में बहुत ही आसान होती है और पीने में तो बहुत ही टेस्टी होती है। सो हम इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। अब ऐड करेंगे आधा चम्मच काला नमक। काले नमक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच भूरा या पिसी हुई चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला। आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब ऐड करेंगे इसमें 2 नींबू के स्लाइस। थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी हम इसमें डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है पुदीने के पत्ते ऐड करके। थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोडा। आप चाहे तो कोई भी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट टेस्ट आता है वो सोडे का ही आता है। आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया से इसमें बबल्स आए हैं। बहुत ही बेस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, और जो बहुत ही आसानी से बन चुकी है। बस अब हम इसको किसी भी स्ट्रोक की हेल्प से इसको मिला लेंगे सारी चीज़ों को, और ये रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही आसान ड्रिंक थी। अब हम बनाते हैं रूह अफ़ज़ा सोडा। सबसे पहले हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस, आधा चम्मच काला नमक, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। चीनी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा मीठापन होता है। थोड़ा सा नमक और 2 से 3 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स, नींबू के स्लाइस ऐड करेंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते। आप चाहे तो इन्हें क्रश भी कर सकते हैं या नॉर्मल भी इनमें ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे सोडा। रूह अफ़ज़ा सोडा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। थी ना ये दोनों ही रेसिपियाँ कितनी ही आसान। अगर आप कभी बाहर से आए हो या आपको समर में कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा हो कुछ अलग सा, तो आप ये दोनों रेसिपियाँ इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हमारे घर में अवेलेबल होते हैं इजीली। सो आप ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये ड्रिंक कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।